नमस्कार, मैं हूं हिमा कनौजी और स्वागत है आपका फरीदाबाद टाइम्स में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद की पहली खबर से, जहां पूरे देश में रमजान के पाक माह के बाद ईद मनाई जा रही है, वहीं फरीदाबाद में हिंदू समुदाय के लोगों ने एक मिसाल कायम कर दी है। ईद के पावन पर्व पर मुस्लिम भाइयों के साथ उनके त्यौहार में हिंदू भाई भी शरीक हुए हैं और मुस्लिम भाइयों के रोजे खुलवाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाई है, जिससे खीर से ज्यादा मिठास अब दोनों धर्मों के अनुयायियों में हो गई है। ये सौहार्द की भावना फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में पनपी है। ऐसा है कि ये संजय कॉलोनी के अंदर जो है हम लोग जो है तकरीबन 30-35 साल से रह रहे हैं और यहाँ ज़्यादातर लोग जो है बिहार से, बंगाल से और जो है वो यूपी से आगे बसे हैं। तो हम जैसे कि माहौल यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर है, भाईचारा है, एकता है, वैसे ही हम हरियाणा के अंदर भी कायम बनना चाहते हैं कि भी आपस में हम एकता बनी रहे। ये मुस्लिम की नहीं है, ये हमारे पूरे देश की ईद है और हमारी ईद है। अगर आप इधर से देखेंगे अपनी वीडियो, अपने कैमरे को इधर से दिखाएंगे तो जितने भी यहाँ के बड़े बूढ़े, जितने भी हमारे इस कॉलोनी के रोड के हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, सारा समुदाय यहाँ मिलके इस त्यौहार को मना रहा है। और असली में मिठास तो जब ही आ रहा है, और जगह घर पे खीर बनाते हो इतनी मीठी नहीं लगती है जितनी यहाँ पे लगती है। रमज़ान के पाक माह के बाद फरीदाबाद में ईद पर नमाज अता की गई और हज़ारों मुसलमानों के हाथों में अपने वतन हिंदुस्तान के लिए दुआ की। इस अवसर पर मौलवी ने कहा कि ईद अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है, हर मुसलमान को अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। इस्लाम के नाम पर कत्लेआम कर दहशत फैलाने वाले लोग कभी रहम के काबिल नहीं होते और ना ही वो लोग मुसलमान होते हैं। सच्चा मुसलमान कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ईद पर नमाज अता करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले से लगा कर ईद की मुबारकबाद दी। ये रमज़ान शरीफ के पूरा अदा करने की खुशी के अंदर मनाई जाती है और उसकी ही फजीलत इसके अंदर शामिल होती है और इसका वो जोश खरोश सारा मुसलमानों के अंदर पाया जाता है। और ईद जो है एक अमन का पैगाम देती है और अपने मुल्क के लिए मोहब्बत का पैगाम देती है, हर मुसलमान को अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। ये जो हमारा माह रमजान मुबारक का वक्त गुजरा है, रमजान की इबादतें हुई हैं, वो अल्लाह की तरफ से हमें नसीब हुई हैं, जब उसने हमको अता फरमाई है तो उसका शुक्र अदा करने के लिए हम ईद की खुशी मनाते हैं और उसके लिए इबादत नमाज पढ़ते हैं। ये उसकी इबादत है इस खुशी में, और इस खुशी में हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, भाईचारगी होती है जिससे एक मोहब्बत होती है। इस त्यौहार को मनाना चाहिए और सबके पास संदेश पहुँचाएँ, सबसे मिलजुल करके रहें, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने शहर की तरक्की के लिए एकजुट होकर के, कामजन होकर के, एक साथ मिलकर के तरक्की करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है और दुश्मनाईगी को और इंतहा पसंदी को कंडेम करना चाहिए। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 ने एक 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। टेकचंद नाम के इस बदमाश को तब पकड़ा जब वे तिंगाव में किसी से मिलकर वापस आ रहा था। इस बदमाश पर फरीदाबाद के विभिन्न थानों में अलग अलग धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज है। टेकचंद गांव खेड़ी कला का रहने वाला है। आज हमारी क्राइम ब्रांच 30 जिसके इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह इंचार्ज है, उन्होंने एक हमारे जो रिवार्डेड क्रिमिनल है टेकचंद इधर खेड़ी का रहने वाला है, तो तकरीबन 12 केसों में हमारा वांटेड था, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट थे और इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से घोषित किया हुआ था। इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इसको हमने तिगांव चौक के पास जो निमका जेल की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पर एक टिप ऑफ के ऊपर हमने इसको गिरफ्तार किया है। इसको गिरफ्तार करके अभी 2 घंटे में हमें इससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक ये 12-13 केसों में संलिप्त पाया गया जिसमें हत्या का प्रयास, लूट और डकैती केस दर्ज हैं, जिन सब में वांटेड था। पेटी ऑफेंसेस भी ने पहले किए हैं, उन सभी में वांटेड था। आज गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश किया है, इसका अब रिमांड हासिल किया जाएगा और इससे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इंटरोगेशन की जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं, 12 मुकदमे दर्ज हैं रंजिशा गाँव में, नहीं उसकी वजह से दर्ज। क्या गाँव के ही सारे मामले थोड़ी, अलग अलग थानों में हैं? हाँ, एक दो बाहर के। तो आप रोटी मांगते हो, हाथ पैर तोड़ते हो, क्यों करते हो? नहीं, मैं रोते नहीं मांगते कहीं से, हाथ पैर तोड़ने के केस में। यूपी का बहुत बड़ा गैंग नरेश भाटी का, उसके गैंग में शामिल हो गए भाई के में? नहीं, वो शामिल, मैं निंदर को जानता हूँ, निंदर मुझे वहाँ छोड़ गया था फरारी काटने के लिए, एक रिश्तेदार के तौर पर मैं वहाँ रहा। आपके रिश्तेदार है वो जो गैंग में? निंदर उनका सगा साला है, क्योंकि वो मुझे छोड़ गया था कि तू यहाँ रहे। पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया तुझे? मुझे मिर्जापुर चौक से।
तो वहाँ किस लिए आए थे आप? मैं तिगांव गया था मिलने किसी से, बाकी वो मुझे मिला नहीं, आते हुए आज ही अरेस्ट हुआ। निमका जेल में कैदियों ने ईद के मौके पर दिया भाईचारे का संदेश। सभी मुस्लिम कैदियों ने नमाज अता कर खोले रोजे। निमका जेल में रमजान महीने में लगभग 400 मुस्लिम कैदियों ने पिछले एक महीने से रोजे रखे हुए थे, जिन्होंने ईद की नमाज अता की। हमारे जिला कारागार फरीदाबाद में लगभग 400 मुस्लिम भाई हैं, जिन्होंने लगभग सभी ने ही रोजे रखे थे, तो इनके आज एक महीना पूरा रमजान का महीना जो इनका खत्म हो गया, उसमें इन्होंने आज हमने इनके ईद के मौके पर इनके आज इनका जो मौलवी बुला के जी यहाँ पे इनके नमाज अदा कराई, और इनको जो पूरे महीने में इनको किसी प्रकार के हमने अलग से व्यवस्था कर रखी थी इनकी, कि जो सुबह उठ के इनको खाना वगैरह जो है, इनकी बैरिक भी अलग से जो जिन्होंने रोजे रखे थे सबको अलग कर रखा था, कि सुबह उठ के इनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इससे सारी सुविधा इनको प्रोवाइड करा रखी। फरीदाबाद टाइम्स से फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे फरीदाबाद की कुछ और खास खबरों की तरफ। खुशी मिलती है जब आपके सपने में जुड़ जाए कोई आपके साथ। सत्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पलवल ऑफर्स फ्री टेक्निकल एजुकेशन टू 100 गर्ल्स एवरी ईयर। हमारी बेटी हमारी शान, अ कंट्रीब्यूशन इन पीएम्स मिशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आप सेक्स समस्याओं से परेशान हैं या परेशान हैं गुप्त रोगों से? क्या आपको परेशान करती है दौरा, मिर्गी, श्वास, गठिया, वायर, सफेद दाग, जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियाँ? तो फिर क्यों होते हो परेशान? क्योंकि हमारे पास है आपकी इन समस्याओं का समाधान। तो चले आइए, सेक्स समस्याओं, शुक्राणु की कमी, धात जाना, निसंतान, न्यूक्लियोरिया, नाम मर्दी, बवासीर जैसी बीमारियों के सफल इलाज एवं सुखी विवाहित जीवन के लिए डॉक्टर सागर से मिले। हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर सागर क्लिनिक समिति, रसूलपुर फाटक पलवल। संपर्क करें 8397002464। जीवा आयुर्वेद लाया है आपके लिए कुछ विशेष उत्पाद। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, हनी व एलोवेरा जूस, जोड़ों के दर्द के लिए पेन काम ऑयल, बालों को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए ब्लैक पर्ल व नीम शैम्पू, महिलाओं में मासिक स्राव, हार्मोन्स और फर्टिलिटी को संतुलित रखने के लिए नारी सखी कैप्सूल्स, त्वचा के प्राकृतिक निखार व सुंदरता को बढ़ाने के लिए फेयरनेस किट, रोज वाटर प्लेन, सेफ्रॉन व टर्मरिक क्रीम। तो आज ही जीवा आयुर्वेदा के इन उत्पादों को अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ, सुंदर व सफल बनाएं। लॉग ऑन करें store.jeeva.com या संपर्क करें अपने नजदीकी रिटेलर पर। द इंग्लिश मीडियम बोहरा पब्लिक स्कूल इज लोकेटेड एट ईस्ट चावला कॉलोनी इन बल्लभगढ़। The school and affiliated of Central Board of Secondary Education. The well-qualified and experienced teachers of the school devote all their attention to develop the academic interest and other skills of the students. At the same time, they are particular in enhancing the character building and blossoming the innate skills of the students. Indeed, the Bohra Public School has excellent ambience for the promising students with immense scope for personality development of its students. Needless to add, the school possesses maximum modern facilities of model school. So let your wards join the innovative and favorable climate of Bohra Public School. We welcome you.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फरीदाबाद की कुछ और खबरों की तरफ। होटल में पुनहाना सड़क मार्ग पर गांव बोराका के समीप एक ऑटो चालक से नकाबपोश बदमाशों ने गोली की नोक पर 51,000 रुपए लूट लिए। दोनों लुटेरे पल्सर बाइक पर आए थे। ऑटो चालक पुनहाना मंडी में अनाज को बेचकर होटल आ रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मैं पुनहाने से आ रहा था, पैसे लेके 51,260 रुपए थे जिनको लेकर मैं ऑटो में लेकर आ रहा था। पर्सनल ऑटो था जिसमें पीछे से दो बाइक सवार आए नीम के और बोरा के बीच में। उन्होंने हल्ला मचा के टेम्पो रुकवाया। मैंने साइड में रुका, उतरते ही उन्होंने मैं पकड़ा, खिड़की खोली, पकड़ के बाहर खींचा और पैसे निकाल कर ले गए। ये एक सत्यदेव नाम का सोनगढ़ ऑटो चालक है। ये गेहूँ लेके जाता है पुनहाना, तो पुनहाना गेहूँ बेच के आया था मंडी में। वहाँ से 51,260 रुपये लेकर आया था। तो पूरा पुनहाना की तरफ से ही ये ऑर्डर आ रहा था पुनहाना से। तो बोराका और नीमका के बीच में एक मोटरसाइकिल पल्सर नौजवान लड़के आए, उन्होंने इसको शोर करके रुकवा लिया और इसकी जेब में से वो 51,260 रुपये ले कर भागे। उन्होंने दोनों ने नकाब बांध रखा था। तो क्या है ये, लेकिन फिर भी गहनता से इस बारे में जाँच की जाएगी। इसके मोबाइल तो लेके नहीं गए, वो इसके कॉल डिटेल वगैरह कटवाएंगे और गहनता से जांच करेंगे इस बारे में। जिला पलवल के सभी थानों में नशाखोरी को लेकर पुलिस ने अभियान चलाया और होडल पुलिस ने गांवों में व शहरों में युवाओं में आए दिन बढ़ रही नशाखोरी जैसी बुराई को लेकर और अवैध रूप से बेचे जा रहे नशे के सामानों को लेकर गांवों के सरपंचों व नगर परिषद के पार्षदों के साथ बैठक की। पुलिस ने गांवों में व शहरों में बेची जा रही अवैध शराब और नशे के सामान पर भी रोक लगाने के लिए सरपंचों से पार्षदों से सहयोग करने की अपील की। सरपंचों व पार्षदों ने भी पुलिस से गांवों से व शहर में अवैध रूप से बेचे जा रहे नशे के सामान पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कहा और सहयोग के लिए आश्वासन दिया। शहर के अंदर शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये आज मीटिंग बुलाई गई थी और शहर के सारे पार्षदों के पास निमंत्रण था और सभी सरपंचों के आसपास जो भी SHO के जो इलाके में जो आते हैं सभी सरपंचों के पास निमंत्रण था और पूरे बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से शहर के अंदर और आसपास गांवों के अंदर किस तरीके से व्यवस्था को सही तरीके से बनाया जा सके। सेम चीज़ यही है, एक पीस कमेटी बनाई हुई है इलाके में, होटल में, होटल शहर में, याद के एरिया में। उस कमेटी के हम जो है मॉनिटरिंग करते रहते हैं। पहले भी हमारी मीटिंग होती रही, आज भी हमने सभी लोगों से मीटिंग करी है कि गांव में भाईचारा बनाए रखे, कोई बात हो तो पुलिस की मदद करे, कोई क्राइम हो तो हमें बताए, उस पर हम कुछ लगाए। इस तरह सारी बात हमने डिस्कस करी है। हर 15-20 दिन बाद हम जो है कमेटी मीटिंग करते हैं। अभी SP साहब ले आए हैं श्री राहुल देव शर्मा जी, सिख समुदाय के बाद अब हिंदू समाज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में उतर आया है। मोहाली में SSP कार्यालय के बाहर अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान का पुतला जलाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान की गिरफ्तारी की मांग की है। ऑल इंडिया हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से अरविंद केजरीवाल और आशीष खेतान का पुतला फूका जा रहा है क्योंकि उन्होंने अमृतसर में श्रीमद् भगवत गीता श्री गुरु ग्रंथ साहब की अभद्र शब्दावली बरती है। आज इसके खिलाफ उसका पुतला जलाया जा रहा है और इसके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए माननीय SSP साहब को मांग पत्र किया जा रहा है। अगर ये लोग फिर भी ना सुधरे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर इनके प्रोग्राम में ऑल इंडिया हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन अखिल भारतीय हिंदू स्वसंस्था समिति विरोध करेगी। देखिए, अमृतसर में 3 तारीख को जो आम आदमी पार्टी ने मैनोफेस्टो जारी किया, उस मैनोफेस्टो को गीता और गुरु ग्रंथ साहब के साथ मेल दिखाकर हमारे ग्रंथों का अपमान किया है, जिसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब में केजरीवाल राजनीति करने के लिए काफी टाइम से कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पंजाब के हालात खराब हो जाएं। जैसे पहले इसने एक पोस्टर पंजाब में लगवाया कि भिंडरांवाले की सोच पे लोगों को चलना चाहिए, वो भी इसकी एक साजिश थी हिंदू और सिखों के दंगे भड़काने की। हम कहीं भी इसकी ऐसी सोच पूरी नहीं होने देंगे और हम चाहते हैं सरकार पूरे पंजाब में इस पे पर्चे दर्ज करे और बाकी लोगों को 120-20 के तहत ले और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारियां हो। फरीदाबाद टाइम्स में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए BVM News के साथ। नमस्कार।